स्टूडेंट, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर न्यू लेसन द फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ 1857. इन 1857 अ ग्रेट स्ट्रगल टुक प्लेस इन इंडिया विच कम्प्लीटली शुक द ब्रिटिश गवर्नमेंट. हम सबको पता है कि 1857 का जो स्ट्रगल था बहुत ही वेल नोन ऐसा स्ट्रगल है, और 1857 में जो स्ट्रगल हुआ था उस स्ट्रगल की वजह से ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो पूरी तरीके से ब्रिटिश गवर्नमेंट को उन्होंने हिलाया था. दिस स्ट्रगल डिड नॉट अराइज ऑल ऑफ सडन. अब कोई भी स्ट्रगल होती है तो ये एकदम अचानक से लोग किसी के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाते, कोई बहुत बड़ी स्ट्रगल नहीं करते. तो ये जो स्ट्रगल हुई थी तो उसके पीछे भी ऐसे बहुत सारे रीज़न हैं कि जिस वजह से 1857 में ये ब्लास्ट हुआ था. अर्लियर एज वेल मेनी सच स्ट्रगल्स टुक प्लेस इन इंडिया अगेंस्ट द ब्रिटिश. 1857 की स्ट्रगल के पहले भी ब्रिटिशों के खिलाफ इंडिया में बहुत सारे स्ट्रगल्स हुए थे. द स्कोप ऑफ द स्ट्रगल ऑफ 1857 and its background was taken into consideration by V.D. Savarkar in his book The Indian War of Independence 1857. 1857 के इस स्ट्रगल का जो स्कोप था या इसके पीछे जो बैकग्राउंड था, ये सभी बातें V.D. Savarkar ने अपने बुक द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 इसमें उन्होंने कंसिडर की है. लेटर मेनी रिवोल्यूशनरीज गॉट इंस्पिरेशन फ्रॉम इट टू फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिश. जब उन्होंने अपनी बुक में ये सारी बातें मेंशन की थी तो उसके बाद में बहुत सारे रिवोल्यूशनरीज इस बात से प्रभावित हुए और वो ब्रिटिशों के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए, फाइट करने के लिए तैयार हुए. स्ट्रगल बिफोर 1857. अब 1857 के पहले क्या हुआ था. एट एवरी प्लेस वेयर द ब्रिटिश रूल वॉज एस्टेब्लिश इन इंडिया. जहाँ जहाँ इंडिया में ब्रिटिश रूल एस्टेब्लिश हुआ था उस हर एक जगह पर द लोकल पीपल हैड टू बियर द इल इफ़ेक्ट्स ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट. वहाँ के लोकल पीपल जो थे उनको ब्रिटिश गवर्नमेंट की वजह से बहुत सारे दुष्परिणाम सहन करने पड़े. द इंडियन स्टार्टेड फीलिंग दैट दे आर एक्सप्लोइटेड इन एवरी स्तर ड्यू टू द कंपनीज रूल. अब यहाँ के जो कॉमन पीपल्स थे उन लोगों को ऐसे लगने लगा कि हर एक जगह पर उनके साथ एक्सप्लोटेशन हो रहा है, उनका शोषण हो रहा है. और ये सब क्यों हो रहा था, कंपनीज के रूल्स की वजह से. जो यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी थी उनके रूल्स की वजह से कॉमन पीपल का शोषण हो रहा था. दिस रिजल्टेड इन इंक्रीज ऑफ डिसकंटेंट अगेंस्ट देयर रूल. और इसकी वजह से ये जो कॉमन पीपल थे जिनका शोषण हो रहा था उनके मन में ब्रिटिशों के खिलाफ, ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ डिसकंटेंट यानी असंतोष निर्माण हुआ. फार्मर्स एंड कॉमन पीपल बिकेम बैंकक्रप्ट ड्यूरिंग द कंपनी रूल. और जब कंपनी के रूल शुरू थे उस पीरियड में फार्मर्स और कॉमन पीपल जो है वो बैंकक्रप्ट हुए यानी पूरी तरीके से उनका नुकसान होने लगा. इन 1770 देयर वॉज मेजर फेमाइन इन द बंगाल प्रोविंस. 1770 में बंगाल प्रोविंस में एक बहुत बड़ा फेमाइन आया. बट द ब्रिटिश रूलर्स वेयर इनडिफरेंट एंड इनसेंसिटिव टूवर्ड्स इंडियन पीपल. लेकिन जो ब्रिटिश रूलर्स थे उनको इस फेमाइन की वजह से कोई उनके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ा. वो कॉमन पीपल के लिए, इंडियन पीपल के लिए इनसेंसिटिव और इनडिफरेंट बने रहे. फ्रॉम 1763 टू 1857 द पीजेंट्स ऑफ बंगाल प्रैक्टिस्ड इन द रिबेलियन लेड बाय सन्यासी फकीर. और उसके बाद में 1763 और 1857 में जो रिबेलियन हुआ था और जिस रिबेलियन की लीडरशिप सन्यासी और फकीर लोगों ने की थी उसमें बंगाल के जो पीनंट्स मीन जो फार्मर्स थे उन्होंने पार्टिसिपेट किया.
Similar revolts took place in Gujarat, Rajasthan, Maharashtra and South India. ऐसे ही छोटे मोटे रिबेलियंस, छोटे मोटे रिवोल्ट जो है वो गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र और साउथ इंडिया में भी हुए. उमाजी नाइक अल्सो गेव अ स्ट्रॉन्ग फाइट. उमाजी नाइक जो थे उन्होंने भी बहुत अच्छी तरीके से फाइट दी. ही ऑर्गेनाइज द रामोशीज एंड द लोकल यूथ टू रिवोल्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश. उन्होंने रामोशीज जो है और जो लोकल यूथ थे उनको ब्रिटिशों के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए ऑर्गेनाइज किया. दे ड्रीव अ डिक्लरेशन एंड अपील्ड टू फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिश. उन्होंने एक डिक्लरेशन बनाया, उन्होंने डिक्लरेशन बनाया और वो लोगों से अपील करने लगे कि ब्रिटिशों के खिलाफ आवाज़ उठाओ एंड ओवरथ्रो द गवर्नमेंट. और ब्रिटिशों के खिलाफ रिवोल्ट करके आवाज़ उठा के हमें ब्रिटिशों को यहाँ से निकाल देना है. दे इंस्पायर्ड पीपल इन पुणे, सातारा, अहमदनगर, सोलापुर, नासिक, भोर एक्सेट्रा. अब ये जो ऑर्गेनाइजेशन थी, इस ऑर्गेनाइजेशन ने पुणे, सातारा, अहमदनगर, सोलापुर, नासिक और भोर यहाँ पर रहने वाले लोगों को रिवोल्ट करने के लिए इंस्पायर किया. इन 1832 उमाजी नाइक वॉज अरेस्टेड एंड हैंग टू डेथ इन पुणे. अब उनके इस बर्ताव की वजह से 1832 में उमाजी नाइक को अरेस्ट किया गया और पुणे में उनको फांसी पे लटकाया. द इंडियंस ट्राइब्स एंड फॉरेस्ट कम्युनिटीज also challenged the British rule. इधर जो इंडियन ट्राइब्स थी, जो आदिवासी वगैरह लोग थे, और फॉरेस्ट कम्युनिटीज, फॉरेस्ट में रहने वाले जो लोग थे, उन्होंने भी ब्रिटिशों के रूल के खिलाफ आवाज़ उठाई. देयर लाइवलीहुड वॉज डिपेंडेंट ऑन फॉरेस्ट रिसोर्सेस. अब उन्होंने आवाज़ क्यों उठाई, क्योंकि उनकी जो दो वक्त की रोटी, उनका जो लाइवलीहुड था वो पूरी तरीके से फॉरेस्ट से मिलने वाली चीज़ों पर डिपेंड था. द ब्रिटिश लॉज पुट रेस्ट्रिक्शंस ऑन इट. लेकिन जब ब्रिटिशों ने अपने कायदे शुरू किए तब उनके ऊपर इन फॉरेस्ट रिसोर्सेस को यूज करने के लिए भी रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए. कॉन्सिक्वेंटली बिहार, कोलाम एरिया ऑफ छोटा नागपुर, गोंड्स ऑफ ओरिसा, संथाल्स ऑफ बिहार फाउट अगेंस्ट द ब्रिटिश. और इसकी वजह से इन फॉरेस्ट एरिया में रहने वाले लोग, जो बिहार कोलाम बिहार से बिलोंग करते थे, जो छोटा नागपुर का कोलाम एरिया है वहाँ से बिलोंग करते थे, ओडिशा के कुछ गोंड्स थे, बिहार के संथाल्स थे, इन सभी ने ब्रिटिशों के खिलाफ फाउट किया. द गडकरीज फ्रॉम कोल्हापुर एंड फंड सावंत फ्रॉम कोकण ऑल्सो चैलेंज द ब्रिटिश. कोल्हापुर के जो गडकरीज है और कोकण के फंड और सावंत थे, उन्होंने भी ब्रिटिशों के खिलाफ आवाज़ उठाई. बिफोर 1857 सम जमींदार्स एंड रॉयल क्लास फ्रॉम डिफरेंट टेरिटरीज रिबेल्ड अगेंस्ट द ब्रिटिश. और 1857 के पहले कुछ जमींदार, उसके बाद में रॉयल क्लास से बिलोंग करने वाले अलग अलग टेरिटरीज के जो लोग हैं, उन्होंने भी ब्रिटिशों के खिलाफ आवाज़ उठाई. इन द आर्मी ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी देयर वेयर मेनी इंडियन सेपॉय. ईस्ट इंडिया कंपनी की जो आर्मी थी, उस आर्मी में बहुत सारे इंडियन सिपाही थे. दे वेयर इल ट्रीटेड बाय द कंपनी. अब ये जो इंडिया से बिलोंग करने वाले सिपाही थे, उनको यहाँ पर इल ट्रीट किया जाता था. देयर सैलरी एंड अलाउंसेस वेयर वेरी लेस कंपेयर टू द ब्रिटिश सोल्जर्स. उनकी जो सैलरी है या उनके जो बाकी के फ़ायदे वगैरह उन्हें कंपनी की तरफ से मिलते थे, वो ब्रिटिश सोल्जर्स के कंपेरिजन में बहुत कम थे. इन 1816 द एट वेल्योर एंड इन 1824 एट बराकपुर द रिवोल्ट टूक अप अ फायर्स फॉर्म. और उसकी वजह से 1806 में और वेल्लोर में और बराकपुर में 1824 में इसके वजह से बहुत रिवोल्ट जो हुए थे, उन्होंने बहुत बड़ा ऐसा स्वरूप लिया. ऑल दीज रिबेलियंस टुक प्लेस.
इन देयर रिस्पेक्टिव टेरिटरीज, ये जो रिबेलियंस है उनके रिस्पेक्टिव ऐसे टेरिटरीज में होने लगे, जहाँ जहाँ ऐसे लोग थे कि जिनको तकलीफें हो रही थी उन्होंने अपने टेरिटरीज में उठाव किए। दे वेयर लोकल इन नेचर एंड सिंगल हैंडेड। अब ये जो यहाँ पर रिबेलियंस हो रहे थे वो लोकल लेवल पर हो रहे थे। द ब्रिटिश फोर्सिबली ब्रोक डाउन द रिवोल्ट, और इसीलिए कम लोग होने की वजह से ये ब्रिटिशों ने इन रिवोल्ट्स को फोर्स करके ब्रेक कर दिया। पब्लिक अनहैप्पीनेस वॉज सप्रेस बट इट डिड नॉट वैनिश, लोगों के मन में जो असंतोष था उस असंतोष को यहाँ पर सप्रेस किया, उसको दबा दिया गया, लेकिन वो पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हुआ था। दिस एंगर बर्स्ट आउट इन द फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ 1857, और लोगों के मन में ये जो गुस्सा था, ये जो हेट्रेड था ब्रिटिशों के खिलाफ, वो पूरा 1857 के फ्रीडम स्ट्रगल में बाहर आया। एट वेरियस प्लेसेस द रिबेलियन टुक प्लेस अगेंस्ट द ब्रिटिश, और इसीलिए बहुत सारी जगहों पे रिबेलियंस ब्रिटिशों के खिलाफ होने लगे। द डिसकंटेंट इन द माइंड्स ऑफ डाइवर्स क्लासेस ब्लोड आउट इन द फॉर्म ऑफ दिस स्ट्रगल। द डिसकंटेंट इन द माइंड्स ऑफ डाइवर्स क्लासेस, लोगों के मन में ब्रिटिशों के खिलाफ ये जो डिसकंटेंट था वो डिसकंटेंट जब बाहर निकला तो उसकी वजह से, इस डिसकंटेंट की वजह से, जैसे एक बहुत बड़े स्ट्रगल के रूप में, एक बहुत बड़े स्ट्रगल के फॉर्म में वो लोगों के मन से बाहर निकला। एंड इट्स आउटब्रेक वॉज इन द फॉर्म ऑफ एन आर्म्ड रिबेलियन, और उसका आउटब्रेक जो हुआ था, उसका जो ब्लास्ट हुआ था, उस ब्लास्ट का फॉर्म आर्म्ड रिबेलियन यानी शस्त्र अस्त्र लेकर लोग ब्रिटिशों के खिलाफ उठाव करने के लिए तैयार हुए। कॉजेज फॉर द स्ट्रगल ऑफ 1857, ड्यूरिंग प्री ब्रिटिश पीरियड देयर वेयर मेनी किंगडम्स इन इंडिया, ब्रिटिशों की सत्ता इंडिया में शुरू होने से पहले इंडिया में बहुत सारे राजघराने थे। वॉट एवर चेंजेस टुक प्लेस एट द सेंटर नेवर अफेक्टेड द विलेज सिस्टम, और इसीलिए स्टार्टिंग में जो कुछ भी सेंटर में जो कुछ भी चेंजेस होते थे, सेंटर प्लेसेस में जो कुछ भी चेंजेस होते थे, उनका कोई भी इफेक्ट जो है वो विलेज सिस्टम पर नहीं होता था। द विलेज सिस्टम कंटिन्यूड एज इट इज़, विलेज सिस्टम जो पहले जैसी थी वैसी ही वो शुरू रहती थी। बट द ब्रिटिश चेंज द प्रिवेलेंट सिस्टम एंड ट्राइड टू सेट अप अ न्यू सिस्टम, लेकिन जब ब्रिटिशों की सत्ता इंडिया में शुरू हुई तब उन्होंने जो पहले की विलेज सिस्टम थी उस विलेज सिस्टम को भी उन्होंने चेंज किया और नई विलेज सिस्टम वो स्टार्ट करने लगे। लुकिंग एट द चेंजिंग नेचर ऑफ विलेज सिस्टम क्रिएटेड अ फीलिंग ऑफ इंस्टेबिलिटी एंड इनसिक्योरिटी इन द माइंड्स ऑफ द पीपल। अब जिस तरीके से विलेज नए सिस्टम नए से तैयार होने लगी थी, तो इस बदलते हुए विलेज सिस्टम की वजह से विलेज में रहने वाले लोगों के मन में इंस्टेबिलिटी और इनसिक्योरिटी की फीलिंग तैयार होने लगी। एंड वी विल सी द नेक्स्ट पार्ट ऑफ आवर लेसन इन आवर नेक्स्ट पीरियड। थैंक यू।